और अब बात हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फोटो को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। हिसार कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व सीएम हुड्डा की फोटो हटाए जाने के एक दिन बाद फिर से लगवा दी गई है। हिसार कांग्रेस भवन में खाली पड़ी पूर्व सीएम हुड्डा की फोटो की जगह को एक दिन बाद भर दिया गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस जगह पर फिर से पूर्व सीएम हुड्डा की फोटो लगा दी। दरअसल एक दिन पहले तवर समर्थकों ने हुड्डा की फोटो हटाकर गुस्से का इजहार किया था, जबकि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि कांग्रेस एक है और पूरे हरियाणा में पार्टी कार्यकर्ता हुड्डा का सम्मान करते हैं। उन्होंने तवर समर्थकों की कोशिश को छोटी सोच करार दिया है। और ये सर्वसहमति से फोटो लगी गई है और हुड्डा साहब का पूरे हरियाणा में मतलब हर एक आदमी के दिल में मतलब मान सम्मान है, और हर कांग्रेसी के चाहे विपक्ष का हो चाहे कोई भी हो, हुड्डा साहब का पूरे हरियाणा में मान सम्मान है। वैसे ही मतलब अनजान पने में उन्होंने अपने द्वेष भावना में उतारने का काम किया है और उनकी वो छोटी सोच है। वहीं हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस में लठबाजी कोई नई बात नहीं है और कांग्रेस में कई बार इस तरह के मामले देखने को आए हैं। देखिए, हमें तो उनका इंटरनल मामला है और वो कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं हुई है, और हकीकत भी है कि इस तरह की लाठियां डंडे चलाना कांग्रेस का कल्चर भी है, संस्कृति भी है, और लड़ते रहे, हमें उससे क्या एतराज है। युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम की फोटो हटाए जाने को छोटी सोच करार दिया है। हिसार से महेंद्र सिंह के साथ आलोक उपाध्याय, जी मीडिया।